हाँ आया। देखते हैं देखते हैं, हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है, क्या है कि इस सर्किट में हमारे पास क्या क्या है बताओ तो रहा। स्टेडी स्टेट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर सी इज अ फ्रैक्शन ऑफ द बैटरी ईएमएफ, है ना। बैटरी का ईएमएफ अगर हम ई मान लेते हैं, तो ये जो वोल्टेज है, जो इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना, वो उस बैटरी का कुछ फ्रैक्शन है। तो वो फ्रैक्शन कौन कौन डिसाइड करेगा, सिंपल सी चीज है। अब स्टेडी स्टेट में बताओ तो जरा, करंट अगर जा रहा होगा, करंट यहां से आई जा रहा होगा, तो ये कैपेसिटर वाले ब्रांच में कितना करंट जाएगा बताओ तो। कैपेसिटर जीरो तो ब्लॉक कर देगा डीसी को, डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देता है ना। हाँ सर क्या बच रहा है अपने पास बताओ, ऐसा ये सेम करंट जा रहा है इधर से। आई आई की वैल्यू निकाल सकते हो, सिंपल है, केवीएल लगा के क्या होगा बताओ। हाँ सर इसमें इस वाले ब्रांच में, कैपेसिटर वाले ब्रांच में कुछ भी करंट नहीं जा रहा है, आई की वैल्यू बताओ जल्दी से। ई बाई आर वन प्लस आर टू, ऐसा हो गया, हाँ बोलो, सर है ना। अब हमको निकालना है हाँ सर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे देखो ध्यान से समझो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ देखो, अब ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए, ये दिख रहा है पॉइंट ए, हाँ सर और ये पॉइंट बी, ठीक है और ये जो पॉइंट है डी, तो बी और डी सेम पोटेंशियल पे है क्या, ऐसा बोल सकता हूँ क्या मैं? हाँ सर क्यों? सर आखिरी में से करंट ही नहीं जाएगा सर यस, वी बी इज इक्वल टू वी डी, बिकॉज ये जो आर थ्री है उसमें कुछ करंट है ही नहीं, तो वी इज इक्वल टू आई आर उधर जीरो है ना, मान रहे हो। तो मैं ऐसा बोल सर सकता हूँ क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी ए बी मतलब जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज इक्वल टू वी ए डी बोल सकता हूँ क्या मैं? हाँ सर वी ए बी का मतलब वी ए माइनस वी बी, और वी ए डी मतलब वी ए माइनस वी डी, तो वी ए बी और वी ए डी बराबर है क्या? हाँ सर और दैट इज इक्वल टू आई आर टू बोल सकता हूँ क्या मैं? अरे आर टू किसके किसके क्रॉस लगा हुआ है, देखो ना, ए और डी के क्रॉस लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है।